व्हाइट आम है, खाने में बहुत मजेदार है। माशाल्लाह हम रोटी के साथ खाएंगे। सिस्टर को स्कूल से जो है वो परमिशन आ मिली जो है। आ जो आ जो आ। मैं इसका सामान देखने जा रही हूँ। यहाँ पर इसने जो है वो बाकी काट के रख दिया है मिसाला जात, क्योंकि आज इसने सुबह स्कूल में जाना है जल्दी, और टीचर्स के लिए जो है वो मैक्रोनी लेके जानी है। तो ये इसने अभी सामान रेडी किया, और यहाँ पर मिर्च, और ये है मैक्रोनी। इस वक्त मेरे पास एक तरफ आम है और एक तरफ जो है वो सेब। यहाँ पे खड़ा है मिठू, इससे पूछते हैं कि क्या खाएगा। Assalamualaikum, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। मैं कहती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मेरे देखने वाले जहाँ रहे हैं खुश रहे हैं, आबाद रहे हैं। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो कर दे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दे लाइक। तो चले आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। छुआ के अभी सिस्टर ने बनाया पापड़, और मेरे लिए जो है वो इसने एक रखा है सड़ा हुआ, पता नहीं किस तरह का। तो मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि इसने कैसे बनाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरम्यान से थोड़ा सा कच्चा, बाकी मज़ेदार। तो अभी यहाँ पे सीन कुछ हुआ कि आज जो है वो हमारे घर पट्टे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, इसलिए हम लोगों को पट्टे लाने पड़े बाहर से। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग बाहर से आज काट के आए हैं पट्टे, और सारी बकरियों को जो है वो छोड़ दिया। ये सिस्टर इतनी देर से बहुत गुस्सा हो रही है। मैं इसका अभी फेस आपको नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने दिखाया भी नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला शूज़ जो है वो मैंने अपना इससे लिया, और इसलिए मेरे साथ लड़ाई कर रही है। खैर इसे आप इग्नोर करें। मैं बता रही थी कि ये पट्टे जो है वो आज हमने मंगवाए हैं बाहर से, क्योंकि जो है वो हमारे पट्टे ख़त्म हो गए थे, और इसलिए जो है वो खुद लेके आए हैं। मम्मा कह रही है हम खुद खुज के आए हैं, इसलिए तो अच्छा आ गई है दूध वाली, इसलिए महंगे हो गए और मिलते भी नहीं। आज हमारी बकरियाँ बहुत रो रही थी, तो जल्दी तो वो मम्मा यही कह रही हैं कि पट्टे बहुत महंगे हो गए हैं, क्योंकि दूध वाली मंडी लग गई। जब हमारे शहर में ये दूध वाली मंडी लग जाए, मवेशी मंडी लग जाए, तब हमारे पट्टे जो हैं वो उनकी कीमत बहुत आसमानों पर पहुँच जाती है, या हम जैसे लोगों को वो पट्टे मिलते नहीं हैं। तो इसलिए इस जैसी बकरियाँ जो हैं वो फ्री रहती हैं भूखी, और आपको खुद ही तलाश करने पड़ते हैं। अभी ये सिस्टर जो है वो पता नहीं किसी को ऊपर बुला रही हैं शायद दूसरे को, और हमने आज टाइम से ही अपनी बकरियों को जो है वो नीचे बांध लिया। उसकी वजह यही है क्योंकि ये सुबह से बहुत ज़्यादा भूखी थी। क्या बताना, ये क्या प्रिया क्या करके आई हो? ये देखा ये प्रिया जो है ना, प्रिया मनहूस, उसकी शक्ल चेक करें, तमीज़, और ये पूरा पता नहीं किस चाय का लिया लग रहा है। एक पापड़ लाई, मेरे लिए लाई हो? चलो आपको मिलवाती हूँ अपने चूजा से, जो पूरा कचरा जो है वो उसकी छानबीन कर रहे हैं और यहाँ पे चुग रहे हैं। और ज़रा कबूतरों से मिले तो ये क्या कर रहे हैं, इनके क्या हाल अहवाल हैं। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये वो कबूतर जो पिंजरे से आज़ाद हुआ था, एंड ये जो है वो इतने गुस्से में बैठा है, इनके ज़ख्म हुए हुए हैं, इनके कुडे की हालत जो है वो इतनी बुरी है, सफाई शफाई इन्होंने करनी ही नहीं होती। ओए 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 ओए, देखें ज़रा देखें, गुस्सा गुस्सा कर रहा है भाई, गुस्सा कर रहा है। ये देखो जी, इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाजरा दूंगी, बाजरा बाजरा दूंगी। चलो ये देखेंगे कबूतर, ओ वाह माशाल्लाह। अभी मैं यहाँ से इसको बाजरा निकाल के देती हूँ, अभी ये देखना कितना मीठा बन जाएगा उसी टाइम। तो यहाँ से मैं निकाल रही हूँ बाजरा, और ये मैंने रखा है बाजरा, अभी ये खा रहा है। मम्मा जो है वो अभी अभी लेके आई है फ्रेश फ्रेश आम, और ये मुन्नी को पड़ रही है मार, ये आम खाने की कोशिश कर रही है। अभी ये किचन से जो है वो रोटियां खा के आ रही है। सेब है, वाओ माशाल्लाह सुभानअल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल। अभी ये फ्रिया देखो पीछे वास्ते डाल रही है मेरे शेक। मम्मा खुशबू खुशबू, ये वो आम है अनवर लिटोर, अनवर टिटोर, और फ्रिया जो है वो आमों पर टोट। चौसा वाइट आम है, खाने में बहुत मज़ेदार है। माशाल्लाह हम रोटी के साथ खाएंगे इसे और इंजॉय करेंगे, नीचे बनाएंगे। फ्रिया जो है वो चले भाई, आमों को देख के सारे सबकी एक्टिंग जो है वो बाहर आ रही है। वाह जी वाह, फ्रिया ये चैलेंज अच्छा। मम्मा कह रही है एप्पल भी लाई हूँ मैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, अरे ब्यूटीफुल। प्रिया मुंह खोलो, जबान ये कोई मिठाई का लड्डू है जिसे ऐसे खा रही हो? अच्छा, चलो जी बाद घर देखा, खराब आंखें खराब हो जाएंगी। चलो जी मिठू देखे यहाँ तशरीफ फरमा, अभी मैं इसको डिस्टर्ब करती हूँ।
ये लो मिठू, एप्पल खा लो एप्पल। अभी ये मिठू जो है वो एप्पल, लेकिन मिठू ने खा नहीं सकना। ये देखिए मिठू सूंघ रहा है। प्रिया जो है वो यहाँ पे मिलते करते हुए तो मिठू जो है वो सेब नहीं खा रहा। अब भाई जा रहा है, जा मिठू सब खुले हो गए हैं, एप्पल नहीं खाया, नाच नाच लग रहे हैं, नाच नाच लग रहे हैं। चलो भाई बाय बाय। इस वक्त मेरे पास एक तरफ आम है और एक तरफ जो है वो सेब। यहाँ पे खड़ा है मिठू, इससे पूछते हैं कि क्या खाएगा। देखिए दोनों में से इसने कुछ भी नहीं खाया और वो चल गया। मिठू मिठू ये देखो क्या खाओगे। ओह मिठू ने आम पसंद किया, मिठू ने आम पसंद किया भाई। आम ये आम ही है ना। हाँ मिठू ये एप्पल खाओगे। मिठू को आम, क्योंकि ये जो है वो फलों का बादशाह और सबको पसंद है, और मिठू ने भी है वो आम ही सेलेक्ट किया। और पीछे आवाज़ें चेक करें, इतनी आवाज़ें आ रही हैं। खैर उसे इग्नोर करें और मिठू की चॉइस को देखें, आम पसंद करें। और मेरी भी चॉइस जो है वो इस वक्त है मैंगो। यहीं पे भी मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।